हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सबको हैप्पी छोटी दीपावली। और जब तक मेरा व्लॉग जाएगा तब तक तो बड़ी दिवाली भी लग जाएगी, तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी बड़े दिवाली। हे गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप सारे बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है छोटी दिवाली, तो आपको मेरी तरफ से ढेर ढेर सारी बधाइयाँ छोटी दिवाली की। बहुत अच्छे से और सेफली दिवाली मनाइए। खुद का ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। मैं अपने ब्लॉग का स्टार्ट आज छत से कर रही हूँ। वैसे उठ तो गए थे बहुत सुबह, छत पे आके कपड़े फैला गए थे ऑलवेज की तरह। पता है क्या होता है, जिस दिन हम कपड़े नहीं धुलते हैं उस दिन बिल्डिंग में भी लोग लग रहा कपड़े नहीं धुलते हैं, और जिस दिन कपड़े धुलते हैं उस दिन सबको धुलना होता है। वही हुआ आज सुबह। मैं मॉर्निंग में आई थी ना कपड़े फैलाने, तो मैंने अपने कपड़े अच्छे से फैला दिए थे, एक भी कपड़ा किसी का नहीं पड़ा था। और अभी का टाइम देखो कि जो मेरे कपड़े फैले हुए थे ना, वो साइड कर करके सुखोड़ के साइड कर दिए गए। आई डोंट नो वो सूख पाए हैं कि नहीं सूख पाए हैं, और देखते हैं अभी। बाकी सब ने अपने कपड़े डाल दिए हैं, बोला भी नहीं वरना कहीं और डाल देते। तो बस यही थोड़ा सा अंदर से लग रही है। ये देखो सारे मेरे जो कपड़े हैं साइड में सब हैं इस तरफ, वो उधर वाले भी सब उधर कर दिए गए। ऊपर जो वॉल पे है ना वो भी सब साइड पे रख दिए गए हैं। तो 6 लोगों की फैमिली है, डोरी के हिसाब से थोड़ा सा रहता है कि नहीं हो पाता, और इस चीज़ का हम लोग माइंड भी नहीं करते। बट यार नए कपड़े हैं और मॉर्निंग में डाले थे, सूख गए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं सूखे होंगे तो फिर त्यौहार के टाइम पे कहाँ फैलाएंगे। इसी वजह से मैं मॉर्निंग में डाल गई थी। आई होप भी सूख गए होंगे, क्योंकि कल रात से इनका पानी निकल गया है। और अभी इतने समय सुबह मैंने डाले थे 9:30 बजे, और अभी टाइम हो रहा है दोपहर का 1:30 हो रहा है, तो आई होप सूख गए होंगे। तो चलो उठा लेते कपड़े, चलते हैं नीचे। आज बहुत सारा काम है, छोटी दिवाली है, और वाले घर पे पूजा करनी है, कुछ कुछ घर पे भी काम हो ही रहे हैं अभी, तो बहुत सारा टाइम, बहुत सारा काम है आज, और टाइम है बहुत कम। तो लेट्स स्टार्ट डू वर्क। सुबह से घर पे मैंने क्या किया, मैंने चाय नाश्ता बनाया, उसके बाद मैं बैठ गई थी अपनी व्लॉग एडिट करने के लिए, जो कि धनतेरस का था। वो मैंने व्लॉग डाल दिया, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। कल धनतेरस में क्या लिया था वो आपको अच्छा लगा होगा। तो बस अब मेरा वाला काम ख़त्म हो गया है, आज का दिन शुरू हुआ है न्यू डे फ्रेश थिंग के साथ। तो बस अपना उठा लेते काम, हम चलते नीचे। मम्मी लोग सब लोग खाना खा रही, पर मेरा पेट ना बहुत ज़्यादा फिल है, क्योंकि सुबह खाई थी इडली और मक्खन ब्रेड और जीरे आए थे वो बेकरी वाले, जो कि मुझे बहुत पसंद है। मुझे बेकरी की नान खटाई, बिस्किट, जीरे ये सब बहुत पसंद है, तो वो खाया था। चाय नहीं पी थी, कॉफ़ी पी अभी, तो काफ़ी मेरा पेट फिल लग रहा है, तो अभी कुछ भी नहीं खाऊंगी। चलते, बहुत देर हो गई है भाई ऊपर खड़े खड़े, चलो आ जाओ। सो गाइस, घर से निकल चुके हैं बाहर, क्योंकि जा रहे हैं नए वाले घर पूजा करने दिवाली की। मम्मी पहुंच गई हैं, और मुझे ना बीच में थोड़ा काम था तो फिर मैं पहले आ गई थी, अब मैं जा रही हूँ। मम्मी वहीं को बाहर मिलेंगी, तो बस चलते हैं नए वाले घर, वहाँ पहुँच के वापस मिलते हैं। सो फ्रेंड, मैं अपने घर के पास पहुँच गई थी, और वहाँ ना बहुत बड़ी सी बाज़ार लगती है। ईच एंड एवरी थिंग था दिवाली के सामान के लिए, चाहे वो पूजा रिलेटेड हो या फिर कपड़े हो या फिर जो भी दिवाली के टाइम पे नीडेड होती हैं, लाइक अ दिया, रंगोली, सब कुछ वहाँ पे था। और हम लोग भी ना थोड़े से दिया और लेना चाहते थे, तो हम लोगों ने वहाँ से दिया ली, छोटी सी रंगोली ली थी, क्योंकि मैं कलर लेके गई थी, पर ये था अगर टाइम नहीं बचेगा तो फ्री वाली रंगोली लगा देंगे। सो उसके बाद हम लोगों ने कैथा लिया और शरीफा लिया। मम्मी अभी आगे शरीफा भी दिखाएंगे आपको, लक्ष्मी माता को शरीफा का फल बहुत पसंद होता है, तो वो लिया। और यहाँ पे ना सारी जड़ी बूटी, इमली और गोमुख चक्र, शंख, जो भी मतलब नीडेड होती है पूजा में, सारा सामान एक ही स्टॉल पे था। मतलब फल फूल सारी पूजा का सामान इन्होंने एक में रखा हुआ था, तो मतलब मुझे ये ना बहुत ज़्यादा सही लगा। किसी को आना है ना, बस इनसे बोल दो मुझे दिवाली का सामान चाहिए, ये बस सारा सामान पैक करके दे देंगे आपको, कुछ भी ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी मार्केट में, और ये बड़ी सी शॉप है रेडीमेड गारमेंट की, यहाँ पे ना सबके कपड़े एक ही छत के नीचे मिल जाएंगे। बैक टू होम, वहाँ पे ना मुझे इतना जल्दी काम था कि मैं शूट नहीं कर पाई कुछ भी। हम लोग घर आ गए, और घर के बाहर नैन्सी ने ना अच्छे से घर साफ़ कर दिया था, लाइटें जला दी थी। और मुझे ना दिवाली के टाइम पर सबसे ज़्यादा लाइटें बहुत पसंद हैं। सो फ्रेंड, मेरी ना छोटी दिवाली की पूजा हो गई है,
माता रानी को भोग लगा दिया है और उनकी आरती कर ली है। और आज के दिन ना मेरे यहाँ पे इम्पोर्टेंस ये होता है कि 5 दिए निकलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं यमराज के लिए निकलते हैं, कुछ लोग कुछ भी बोलते हैं, मतलब किसी किसी के लिए। मेरे ना 5 दिया रखे जाते हैं, 2 घर के बाहर, 1 बाथरूम के पास। कैसा क्या है ना, मम्मी से पूछती हूँ और फिर मैं करती हूँ। वैसे मेरे को इतना याद है कि कल से धनतेरस के दिन से बाहर 2 दिए रखे जाते हैं डोर पे, और आज के दिन 2 बाहर रखे जाएंगे, 2 छज्जे पे रखे जाएंगे, और 1 बाथरूम में रखा जाएगा और 1 किचन में रखा जाएगा, ऐसा कुछ है। तो चलो मम्मी से एक बार रीचेक करते हैं एंड चलते हैं। और यहाँ पे ना कल मम्मी एक गुल्लक भी लेके आई थी जो मैं व्लॉग में दिखाना भूल गई थी। एक गुल्लक लेके आई थी, झाड़ू लेके आई थी। तो सब लोगों को पता है कि उसके धनतेरस के दिन झाड़ू भी लाना बहुत शुभ होता है, तो झाड़ू भी लाई थी मम्मी, गुल्लक लेके आई थी, होप भी जल्दी गुल्लक भर जाएगा। तो चलो बाहर के दिया लगा देते हैं, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। जी हैं मेरी लक्ष्मी माता जी, जो कि बहुत सुंदर सी थी, छोटी छोटी सी थी, मतलब कल चेंज हो जाएंगी। और वो गणपति पप्पा हैं, और ये मेरे यहाँ की गंगा माता हैं, और ये हैं कुबेर जी, और मीट आप इनको तो जानते ही होंगे, ऑफ कोर्स इनको कौन कैसे भूल सकता है। तो ये है मेरे लड्डू गोपाल जी, यहाँ माता जी लोगों का भोग लगा दिया है, तो आप लोग भोग करिए, मैं आती हूँ दिया जला के। सो गाइस, ना मैं यहाँ पे पूजा अपनी कर चुकी थी और अब बारी थी दिया लगाने की। तो मेरे यहाँ ना 5 दिया आज के दिन जलाए जाते हैं, जो कि 2 मेन डोर पे रखे जाते हैं, 1 जहाँ हम लोग का डस्टबिन होता है वहाँ रखे जाते हैं, 1 बाथरूम के पास रखा जाता है, और 1 किचन के पास जहाँ सिंक होती है ना वहाँ रखा जाता है। इसका मेन होगा कुछ, आपको पता है कि ये क्यों होता है तो मुझे बताना। और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है ना कि इन जगहों पे हम इतना उनको वैल्यू नहीं देते हैं, तो आई थिंक इसलिए जलता होगा। और एक जो डोर पे दिया होता है ना, वो तो बोलते यमराज देवता के लिए होता है। तो ये रहे मेरे 5 दिए जो मैंने जला लिए हैं, तो चलो एक एक करके हम लोग इन्हें लगा देते हैं। पूजा कंप्लीट हो गई है और अब प्रसाद दे देते हैं सबको और आरती दे देते हैं। आरती मैंने दी नहीं क्योंकि मैं बाहर ना मैं दिया सेट करने लगी थी, रखने लगी थी हर जगह। तो अभी आरती है, मतलब आप लोग भी ले लो माँ वैभव लक्ष्मी जी की आरती, माँ इस दिवाली सबको ना पंफर छप्पड़ फाड़ के खुशी दे और खूब सारा पैसा दे, ताकि सब अच्छे से दिवाली इंजॉय कर पाए। और चलो सबको प्रसाद दे देते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ ना सबको आरती दे दी है और सबको प्रसाद दे दिया है। यहाँ पे अम्मा को, मम्मी लोग सीरियल कुछ देख रही थी तो आवाज़ मैंने म्यूट कर दिया। मम्मी भी आरती ले लेंगी और प्रसाद दे देंगी। और घर के बाहर ना अंकल लाइटें लगा रहे थे तो बच्चे थे, तो फिर मैंने बच्चों को भी प्रसाद दे दिया। और क्योंकि आज दिवाली है, सबका मुँह मीठा कराना तो बनता ही है, और मेरे हाथ में मिठाई थी भी, तो वाई नॉट सबको देते और फिर खुद भी खाते हैं। एनसी और भैया बाहर गए थे किसी काम से, क्या काम है उस व्लॉग में आपको आगे पता चल जाएगा। तो नैन्सी से मैंने ना बहुत रिक्वेस्ट की थी कि नैन्सी प्लीज़ प्लीज़ तुम बाहर का शूट कर लेना, क्योंकि मुझे घर पे पूजा करनी है तो मैं नहीं जा पाऊँगी, तुम जा रही हो तो तुम थोड़ा शूट कर लेना। तो वीडियो क्रेडिट गोज़ टू मिस नैन्सी सिंह। भैया थोड़ी बहुत नमकीन भी लेने गए थे, और ना हमारे घर पे नमकीन यहाँ से आती है क्योंकि ये इनका ना बिल्कुल फ्रेश नमकीन रहती है, खुद बनाते हैं ये, इनका एक तरफ बंदा रहता है और ये, और इनके है ना ऑयल भी ज़्यादा ख़राब वाला यूज़ नहीं होता, मतलब ऐसे होती ना कई जगह नमकीन हल्की सी अजीब सी होती है, वैसी नहीं होती, सारी फ्रेश नमकीन होती हैं, बहुत टेस्टी होती है। और लोगों घर में लाइटें देखो यार, पूरा पूरा घर सजा था, पूरा पूरा घर, मतलब
इतना है बड़ा घर था, पूरा उन्होंने डेकोर करा रखा। और अब आ गए हैं ये मिरर हाउस में, क्योंकि हम लोग के घर पे न्यू मिरर आना है। बहुत सुंदर सा सोच के रखा था कि ऐसा मिरर अब की लेंगे, तो हम लोग ने यहाँ से मिरर लिया है। और काफ़ी ज़्यादा इनके पास वैरायटी थी, ये इनका वर्कशॉप है और शोरूम इनका अलग है। तो यहाँ से हम लोग ने एक मिरर लिया है, कैसा मिरर है घर पे आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो आ गया है मिरर घर पे फटाक से फुर रो के, और अभी मैं दिखाऊंगी कैसा है। आप ना मेरे रियल वॉइस से सुनिए कि मुझे कैसा लगा है मिरर। दो तीन डिजाइन देखी, थोड़ा सा जोर से लुफ्त तक पीछे दरो करो। ये मस्त है, लाइट लगी है। दूसरी लाइट है इससे पता, तीसरी यार ये बहुत सॉलिड है। एक एक है, अच्छा एक है, सॉफ्ट लाइट है। और दो हमको भी टच करना, रुको रुको हमको भी टच करना है, यहाँ ही पे करना है। अच्छा नहीं लग रहा कुछ। हाँ ये हल्की ब्लूज टाइप की है ना। बंद अच्छा लग रहा है ना। बस तो मस्त ये बता, धुल भी सकते इसको यहाँ पे। अब मैं ना इसमें अपनी रील्स भी बना सकती हूँ। एक बार ऑन कर दो प्लीज, कोई लोग काले दिख रही हूँ। ये बैठी हूँ मैं, ये मेरी मम्मा है, ये मैं, ये नैसी है। सो गाइस खाना वाना हो गया है, खाना हम लोगों ने खा लिया। कुछ कुछ काम चल रहे हैं बाहर, भैया भी कुछ कर रहे हैं और नैन्सी हम यहाँ किचन में हैं। और किचन में ना आपको पीछे ये जो दिख रहा है ना, ये जानबूझ के क्रिएट किया गया, क्योंकि किचन पूरा खाली किया गया है, पूरा खाली कर दिया गया। सारे बर्तन जो थोड़े खाने के हैं वो उसमें कर दिए गए हैं, क्योंकि किचन में भी थोड़ा, क्योंकि किचन में भी थोड़ा काम होना है। और बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है आपको बाहर से, क्योंकि कुछ कुछ काम चल रहा है। तो ना आप हमको किचन में ये फ्लोरिंग लगानी है, जो कि मैं उस दिन बोल रही थी किचन में भी बहुत सारा काम बचा हुआ है, तो उनमें से एक ये काम है। सो लगा लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको कैसा क्या है। और सही है, ये एक साल हो गया इस चीज़ को, और काफ़ी ज़्यादा हम लोग इस चीज़ से खुश हैं। हाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अभी आपकी मदद नहीं कर सकती हूँ। वाह भैया ने मुझे शीघ्र अति शीघ्र अपनी सेवा में बुलाया है। सेवा में क्यों, ऐसे क्या काम करवा रहा है तुमसे? वो मुझसे दीवार की डेकोरेशन करवाना चाहता है, मिडिल वाली जो रूम है उसमें भी कुछ काम चल रहा है, पर मैं वो दिखाऊंगी कंप्लीट होने के बाद। मुझे बताना है भैया को कि ये डायरेक्शन ठीक है, थोड़ा सा ऐसे और ऐसे कर। तुम नेता हो ना घर की। यस, इसलिए मैं जा रही हूँ बाहर। अब मैं तुम्हारे साथ बाद में आऊंगी। ठीक है, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू। चलो हम लोग भी बाहर चलते, देखते क्या जाता है। किचन भी ड्राई हो जाएगा, हमने इसको पानी से धुल दिया था, खाना वाना बना था तो पानी से धुल दिया था, तो देखते चल के क्या हो रहा है बाहर। फाइनली जो सोचा था वो हो गया, किचन का काम अच्छे से हो गया, एक वॉल अच्छे से हो गई। और ये सब में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, आज ना रात के बज रहे हैं 2:30 और अभी हम लोग सोए नहीं हैं। चलो कोई नहीं, फेस्टिवल का टाइम ऐसा हो ही जाता है, काम में लगे थे, ये था कि अभी कर लेंगे ना तो ठीक है, क्योंकि सुबह के टाइम अगर थोड़ा भी लेट हो गया ना तो फिर तो सब हो चुका। और आज ना घर पे एक नई चीज़ आई जो कि मेरी बहुत फेवरेट है, बताइएगा आप लोग को कैसी लगी। उसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करना, मैं उसके बारे में डिटेल से आपको वीडियो दूंगी। और आज का ये व्लॉग मैं यहीं ऐड करती हूँ, काफ़ी लेट हो गया और नींद बहुत तेज़ वाली लगी है। सो आज का व्लॉग यहीं ऐड करते, आई होप आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलूँगी कल के न्यू व्लॉग के साथ, दिवाली वाले ब्लॉग के साथ। और हाँ, आप दिवाली लग गई है तो शुभ दिवाली आप सबको। बाय बाय।